लोकोशेड पुल के पास कंटेनर डिपो के सामने रविवार की रात नशे में धुत थार चालक ने बाइक सवार अमन कुमार को रौंद दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से कुछ देर पहले ही साईं अस्पताल के सामने युवक की थार सवार तीन युवकों से गलत ढंग से गाड़ी चलाने को लेकर बहस हुई थी। इसके बाद ही आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने गाड़ी चला रहे व्यवसायी के बेटे अनमोल अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। वे भी अपने पिता के साथ हाथ बटाता है। अन्य दो आरोपियों की तलाश की जा रही है। चंद्रनगर आजाद नगर निवासी लोको पायलट योगेंद्र कुमार का बेटा अमन कुमार क्रिप्टो ट्रेडिंग का काम करता था। रविवार को अमन की छोटी बहन माई का जन्मदिन था। वे बर्थडे केक खरीदने के लिए बाइक से निकला था। पहले वे दिल्ली रोड स्थित पाशवनाथ प्लाजा के नजदीक दुकान पर गया, लेकिन दुकान बंद थी। इसके बाद वह केक लेने गांधीनगर की ओर चल दिया। रात करीब 10 बजे काशीराम गेट के सामने साईं अस्पताल के नजदीक अनियंत्रित ढंग से कार चला रहे युवकों से अमन की बहस हो गई। अमन ने अपनी बहन माही को फोन करके थार सवार युवकों से हुई नोकझोंक के बारे में जानकारी दी, साथ ही थोड़ी देर में केक लाने की बात कही। रात करीब 11 बजे गांधीनगर से केक लेकर अमन घर लौट रहा था। लोकोशेड पुल के पास कंटेनर डिपो के सामने डिवाइडर के कट पर थार चालक ने अमन की बाइक को रौंद दिया। युवक का हेलमेट दूर जा गिरा। हादसे के बाद आरोपी भाग निकले। आसपास के लोगों के साथ फुवारा चौराहे पर मौजूद पुलिस पहुंच गई। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए। अमन को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने थार सवार आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। साथ ही एक आरोपी अनमोल अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। अंकल क्या हुआ है, क्या हादसा हुआ है जो एक्सीडेंट में युवक की मौत हुई है? घर से अपनी साइड में आ रहा था रेलवे स्टेशन की तरफ से, दिल्ली रोड से एक थार गाड़ी आई, उसमें पूरी स्पीड से टक्कर मारी। लोग जैसे बता रहे हैं वहाँ पर रिपोर्ट, लोग पुलिस की गाड़ी थी, उसमें तीन लड़के बैठे हुए थे। तीनों लोगों के सर शराब के नशे में घुसने रात डाक्टर दवाई चलाई जो पकड़ा गया है, उसमें शराब की बोतलें भी रखी हुई थी गाड़ी में मौके पर। अंकल क्या नाम था भैया का? अमन कुमार। अमन कुमार नाम था भैया का। कहाँ रहते थे? चंद्रनगर आजाद नगर। अच्छा अंकल कहाँ से आ रहे थे भैया? ये पहले तो इधर गया था दिल्ली रोड पर, फिर स्टेशन रोड पे गया, केक लेने गया था। छोटी बहन का बर्थडे था, उसके लिए कुछ गिफ्ट लेने गया था, कुछ केक लेने गया था, ऑर्डर कर दिया। 12:30 बजे के आस पास काट लिया मैंने। रात के 12 बजे के बाद ही लोग बाग मनाना शुरू कर देते हैं। कितने बहन भाई है? अभी अकेला भाई था, दो बहन। गाड़ी वाले पकड़ लिया गया? गाड़ी वाले पकड़ लिया, वो खाने में बाकी उसका नाम वगैरह भी उन्होंने कोई सबमिट नहीं करा। उसमें जो हमने एफ आई आर वगैरह कराई थी, उसका नाम नहीं खोला जो पकड़ के लेके आया। ये कह रहे वो तो विवेचना में बाद में खोल दिया जाएगा। सिविल लाइन में एफ आई आर लॉज हुई है, किसी लड़के को थार गाड़ी में रौंदा है। एफ आई आर में कहा गया है कि रिटर्निंग का मामला, एफ आई आर में ये कहा गया है। देखिए कल थाना सिविल लाइन क्षेत्र में रात्रि में एक थार जीप से एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक बाइक सवार पे लड़का था, उसको गंभीर चोटें आईं। तत्काल उसको सूचना पे हम लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया था और वहां पे दौरान इलाज उसकी डेथ हो गई है। जिस तरह से ये घटना घटी है और जो तहरीर हम लोग को मिली है, उसके आधार पे हम लोगों ने इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसको आज जेल भेजा जा रहा है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में जितने हमारे एविडेंसेज आएंगे उसके हिसाब से इसका डिसीजन किया जाएगा।